हेलो एवरीवन, कई दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है वो बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स सभी के लिए है। एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि वीडियो मुझे बनाना चाहिए इस टॉपिक पे और इसको शेयर करना चाहिए। अब सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स डिक्का लेते हैं, बोल्डिनॉन लेते हैं, उसके बाद डाइनाबॉल लेते हैं, तो ये लेते हैं, पावर लिफ्टर्स भी लेते हैं या दूसरे कोई भी स्टेरॉयड लेते हैं, जो स्टेरॉयड के कारण से बेसिकली हमारा बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बढ़ जाता है। और फिर साथ में वो जो खाना खाते हैं उसमें ब्रोकोली होती है, स्पिनच होता है और ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो विटामिन के में काफ़ी रिच पाए जाते हैं। अभी ये जितने भी लोग हैं, जब ये स्टेरॉयड के इन्फ्लुएंस में होंगे, उसके बाद जब ये ब्लड टेस्ट करेंगे, जो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें पता चलेगा कि उनका हीमोग्लोबिन हायर साइड पे है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जो मैक्सिमम रेंज है उससे भी ज़्यादा। अब इससे होता ये है कि बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन की भी वैल्यू बढ़ जाती है और हमारा जो खून है वो क्लॉट कितनी सेकंड में होता है वो डिसाइड करता है द अमाउंट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो नॉर्मल लेवल जो है वो 10 से 13 सेकंड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन हमारा जो है वो ब्लड को क्लॉट करवाएगा, वो नॉर्मल चीज़ है। अब जब कम समय में ब्लड क्लॉट होने लगे तो वो काफ़ी डेंजरस है। ये कई रीज़न से हो सकता है, नॉर्मल लोगों के साथ भी हो सकता है, किसी में विटामिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उनको भी ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, ऐसे लोगों को वारफारिन खाना पड़ता है या कोई भी ऐसे ब्लड थिनर खाने पड़ते हैं, स्टार्टिंग एस्पिरिन से होती है। बट उसके पहले ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना, देखिए जब ये ब्लड क्लॉट होता है ना, उसके बाद वो हमारे जो आर्टरीज़ में पास होकर कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ब्लॉक हो गया, ये ब्लड क्लॉट हमें पैरालिसिस तक पहुँचा सकता है, जिसको कहते हैं माइनर स्ट्रोक, मेजर स्ट्रोक, पैरालिटिक अटैक। ये सब पैरालिटिक स्ट्रोक जो है इंटरनल ब्लड क्लॉट के कारण होता है। उसके बाद जहाँ पे भी ये क्लॉट हो जाता है वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हार्ट तो पंप कर ही रहा है ब्लड को, तो वहाँ पे जहाँ पे चोकअप हो चुका है वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इंटरनल हेमरेज होता है। तो ये ब्लड क्लॉट आपको किडनी के यहाँ हो सकता है, आपके ब्रेन के यहाँ हो सकता है, आपके हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट हो सकता है, कहीं पे भी ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो जो भी बॉडी बिल्डर जो हैं, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं, उनको कम से कम महीने में एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि उनको कितना उनके अंदर हीमोग्लोबिन है। और साथ ही साथ उनको ये भी चेक करना चाहिए कि उनका प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट टाइम क्या है, जो INR, CTVT, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, वो टेस्ट करनी चाहिए। और कभी भी उनको अगर डिजी फील हो, अगर उनको टिंगलिंग सेंसेशन हो ब्रेन में, सर पे, ब्रेन में नहीं, सॉरी, तो अगर उनके सर में टिंगलिंग सेंसेशन हो और उनको अचानक से हैवीनेस फील हो अपने आर्म्स में, या ऐसा लगे कि उनका आर्म या लिम उनका उनके कंट्रोल के बाहर है और वो उसको ऊपर पुल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको इमीडिएटली ये प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट टाइम करना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि उनका खून कितना स्पीड में क्लॉट हो रहा है। तो डॉक्टर उस हिसाब से जब वो देखेगा तो इमीडिएटली उनको वो ब्लड थिनर्स देगा, देख करके सिचुएशन को, कि अगर सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस नहीं है तो वो उनको एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल देगा, अगर ज़्यादा सिचुएशन वर्स है तो वारफारिन देगा, एकदम डेंजरस है तो सीधा हेपारिन डाल देगा। इससे ब्लड थिन हो जाएगा और ब्लड की क्लॉट होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे कि एक पैरालिटिक स्ट्रोक आने से इंसान बच जाएगा। क्योंकि एक बार अगर पैरालिटिक स्ट्रोक आ जाता है, अगर वो ब्रेन में हो गया, तो ब्रेन में बहुत सारे सेल्स ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फार्क्ट। तो ब्रेन में जब इन्फार्क्ट होता है तो ब्रेन का वो एरिया जो है, जिसे हार्ड डिस्क के सेक्टर्स ख़राब होते हैं,
तो उसके सेक्टर्स ख़राब होते हैं तो वहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं होता, वैसे ही ब्रेन का जो पार्ट है वो पार्ट डैमेज हो जाता है और वो जो भी फंक्शन करता हो वो फंक्शन सब ख़त्म हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस इशू है और ये बहुत सीरियसली आपको महीने में दो महीने में एक बार ब्लड टेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो, आपकी लाइफ जी रहे हो, आपके गोल्स पूरे कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप ये सब चीज़ों की भी केयर किया करो, नहीं तो एक दिन आपके माँ बाप, आपके नियर एंड डियर वंस बस दुख के सागर में डूब जाएंगे। और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आपकी रिकवरी हो, स्पीडी रिकवरी हो, और कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो, और फिर किसी टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।